चलेगी, नहीं चलेगी। अजन दर्जन हाय हाय, अब बेगार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। उन्नीस सितंबर 2018 से लेकर आज दिनांक तक हमारे 19 दिन की सैलरी, जो हमारा ठेका बदला था, जो हम पहले जीवन ज्योति ठेकेदार के अंडर काम करते थे, उसके बाद हम पन्ना दाई में आए। इस बीच के पीरियड में जब पन्ना दाई ने हम लोगों को 1 तारीख से ड्यूटी देने का या हम अपने अंदर में लेने का बात करी, तो हम सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास गए, उनको बोला, विषय रखा उनके सामने कि सब अब हम किसके अंडर में काम करते हैं और हम बायोमेट्रिक कहाँ करें। तो साहब ने कहा कि आप एक रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाकर आप उसमें अपनी अटेंडेंस लगवाओ और काम संभालो, इस पर चिकित्सा विभाग की अपनी जो व्यवस्था है उसको ख़राब मत होने दो। हमने उनकी बात, उनका आश्वासन स्वीकार किया और इस विषय पर हमने काम शुरू किया। इसको देखने के बाद हम फिर जब नया ठेकेदार के अंडर हम चले गए, उनकी भी सैलरी आने लग गई, और उसके बाद जब उनकी सैलरी आने लगी तो फिर हम वापस इस विषय को लेकर गए कि साहब हमारे 19 दिन की सैलरी नहीं आई। तो उन्होंने लेकर के दिया कि आएगी, हम देंगे, हम कैसे नहीं देंगे, हम देंगे। ऐसी जिम्मेदारी स्वयं लेकर सुप्रिंटेंडेंट साहब ने बार बार हमको आश्वासित किया। फिर हम 20 तारीख को प्रधानाचार्य जी के पास गए, फिर 23 तारीख को हम सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास, अभी हाल ही में वर्तमान प्रधानाचार्य जी के पास हम गए 19 तारीख को। उन्होंने कहा गुरुवार को हम सुप्रिंटेंडेंट साहब से बात करके इस विषय को संपन्न कराएंगे। फिर हम वापस गए तो उन्होंने कहा कि हो गया है, हो गया है, ऐसा टालते टालते अब 9 महीने हो गए। अभी शुक्रवार को हम लेखाधिकारी हेमंत गुप्ता जी के पास आए, उन्होंने कहा कि साहब ने साइन कर दिया है। मैंने कहा, हमने कहा कि इतने समय बाद साइन किया है, तो बोला हाँ कल ही साइन किया है। तो हमने कहा कि हमको तो जब ही बोल दिया था, बोले बोलना और करने में फ़र्क होता है, ऐसा हेमंत गुप्ता जी ने हमको कहा। हमने कहा अब, बोला अब हो गया है, अब हो जाएगा, सोमवार को आके पता कर लेना। आज सुबह जब हम सभी आए और उनने ऊपर जाके राजेंद्र जी से बात करी, जो अकाउंटेंट है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि नहीं हुआ, साहब ने साइन नहीं किया। हमने कहा, हवाला दिया उनको कल की बात का, शुक्रवार की रिकॉर्डिंग बताई कि साहब हेमंत गुप्ता जी के कक्ष में बात हुई है, उन्होंने बोला आप जाके हेमंत गुप्ता से बात करो। तो हमने कहा कि सर आपकी भी तो जिम्मेदारी है, बोला कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने लेकर कहा, निवेदन किया कि सर हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमने हमारी 19 दिन की मेहनत की तनख्वाह मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भीख ही मांग रहे हो और नहीं मिलेगी। और मैं, वो पहले यहाँ पे परमानेंट थे, फिर अब वो हट गए, उसके बाद उन्होंने संविदा पे आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं जब अभी भी काम कर रहा हूँ तो मेरे को कोई हटा नहीं सकता, तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो। और फिर मैंने ये कहा उनको कि आप जो इस देश का चतुर्थ स्तंभ है मीडिया, उस चौथे स्तंभ के सामने ये बात कह सकते हैं क्या? बोला हाँ मैं कह दूंगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे निवेदन करके बुलाया और आप लोग आए और आपके सामने ये अभी व्यवहार दिखा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से हटे और आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत गुप्ता जी पे और सुप्रिंटेंडेंट साहब पे कि उन्होंने नहीं किया। तो अब उन्होंने एक बात, उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि मैं उनका असिस्टेंट हूँ। तो असिस्टेंट का काम क्या होता है? साहब को फाइल देना। क्या 9 महीने से फाइल नहीं दी? क्या चिकित्सा विभाग ऐसे चलेगा? जब हमारी तनख्वाह नहीं बन रही, जो हम ठेके पे है, तो यहाँ पर नर्सिंग कर्मी जो अपनी सेवाएँ दिन रात सेवाएँ देते हैं और श्रद्धा भाव से देते हैं, उनकी उनके साथ तो क्या अत्याचार होगा? और सबसे बड़ी बात, फोर्थ क्लास जो हमसे भी नीचे है, स्वीपर है, उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाता होगा? ये हमारे पीड़ा से आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आज इसके बाद हमारे, अभी हम प्रिंसिपल साहब के पास जाके ये इनके व्यवहार के वितरण देंगे, उनकी जानकारी देंगे, उसके बाद हम उनको 2 दिन का समय देकर, उसके बाद हर 2 घंटे काम का बहिष्कार, ना पर्ची कटेगी ना भामाशो होगा। अगर ऐसी व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः प्रधानाचार्य के पास रहेगी, सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास रहेगी और ये राजेंद्र जैन के पास रहेगी, क्योंकि ये अपने काम से भाग रहे हैं। इसका परिणाम आम जनता परेशान होगी, तो आम जनता को हम निवेदन करते हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम तुषार है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर पे कार्यरत था और अभी वर्तमान में पवन जी है, ये यहाँ पे काम करते हैं। जो आज दिनांक तक हमें नहीं दिया गया है, बार बार अवगत कराने पर प्रिंसिपल सर को, सुप्रीम सर को, उन्होंने आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। बोले हम आपका पेमेंट कर देंगे, आपने काम किया, आपका काम पेमेंट जरूर होगा, लेकिन आज दिनांक तक हमारा पेमेंट नहीं हुआ। हम बार बार गए, लिखित में भी दिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमने मीडिया को बुलाया कि हमारा जो शोषण हो रहा है, जो हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, उसको हमारे 19 दिन का भुगतान हो जाए, ताकि हम कार्य हम सुचारू रूप से कर सकें। हम 62 कर्मचारी हैं जिनका वेतन इन्होंने रोक रखा है जी। कर्मचारी नहीं तो फिर आरोग्य भामाशाह के अंदर कार्य कर्मचारी कौन कार्य कर रहा है?
जब हमने 32 करोड़ रुपए भामाशाह से इनको कमा के दिए हैं, किसने दिए हैं? और नंबर वन पे हम राजस्थान में भामाशाह को चला रहे हैं, नंबर वन पोजीशन पे भामाशाह में जेएलएन नंबर वन पर हैं। हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, 2 दिन का समय देंगे प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया हमारे पहले भी कि आपका काम हो जाएगा जल्द से जल्द। हमें तो यही हमारे को सैलरी से मतलब है और कार्य सुचारू, व्यवहार बहुत ही खराब है। गाली गलौज के अलावा बात करें उनसे और भी स्टाफ परेशान है, यही नहीं नर्सिंग स्टाफ भी परेशान है और यहाँ का प्रशासन उनके जो कर्मचारी ये लोग भी इनसे परेशान ही है। जी बिल्कुल लिखित में नहीं, मेरा नाम पवन कुमार सोनारी। कोई भी राज के कार्य का प्रॉपर जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ मैं। मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं ये कर्मचारी लोग, वो सब गलत है। बस इनका कहना है उन्होंने साहब जो पेमेंट रोक रखा है आपने, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने को अधिकृत नहीं हूँ। सरकारी फाइल के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, ऑफिशियल फाइल है, सुपरिटेंडेंट अधिकृत है, वो जवाब दे। मेरे कोई ज्ञापन नहीं दिया, अब वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है, ये पब्लिक है, अच्छा है उनका। पब्लिक नहीं है तो कर्मचारी आपके? मेरे कोई कर्मचारी नहीं है, कॉन्टैक्ट के आदमी है, ठेकेदार के आदमी काम करेंगे। वो सुपरिटेंडेंट जाना ना भाई, अधिकृत है सुपरिटेंडेंट जवाब देने के लिए। तो किस चीज़ का ज्ञापन दिया? मेरे कोई ज्ञापन नहीं दिया। मेरे कोई ज्ञापन नहीं दिया। आपका पूरा नाम? राजेंद्र कुमार जैन। क्या हुआ यहाँ? ठीक है, सोसाइटी में काम करता हूँ।